को हम अच्छी श्रद्धांजलि दे सके, अच्छा वातावरण दे सके। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री विद्युत बैरन महतो जी। महोदय, कि मुझे 2022 और 23 डिमांड फॉर ग्रांट्स रेलवे के विषय पर बोलने का आपने समय दिया। महाशय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहे हैं। इस प्रकार भयावह महामारी में हमने देश को निरंतर प्रगतिशील रखा है, ये सब भलीभांति सभी जानते हैं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए रेल बजट सराहनीय है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट पर 2022-23 रेलवे के लिए लगभग 1,40,367.13 करोड़ रुपया रिकॉर्ड राशि घोषणा की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में जो 1.10 लाख करोड़ रुपया अधिक है, लगभग 30 लाख करोड़ रुपया अधिक है। रेलवे की क्षमता विकास एवं विस्तार के लिए वित्त मंत्री जो बजट के रेलवे लेकर कोई महत्वपूर्ण बड़े ऐलान किया, निश्चित रूप से जन कल्याण कर ये सिद्ध होगा। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी के अनुसार और माननीय रेल मंत्री जी के देख रेख में लगभग 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेन का निर्माण करना, साथ साथ रेलवे के दोबारा 100 कार्गो टर्मिनल को भी बनाए जाने का एवं छोटे किसानों के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार करेगा बजट, ये भी प्रावधान किया गया। महोदय, मैं अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निरंतर प्रगतिशील बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे संसदीय क्षेत्र रेलवे में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मांग जिसने घोषणा के बजट नहीं हुए, माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जैसे कुछ नए रेल लाइन का सर्वे वगैरह हुआ है, जैसे चंडील पटमदा होकर झाड़ग्राम 130 किलोमीटर के आसपास है और वो लगभग 1844 करोड़ उसमें आका गया है, लेकिन अभी तक उसको स्वीकृति नहीं मिला। वही चाकुलिया बहरागुड़ा बुढ़ामरा उड़ीसा से मिलता है, इसका स्वीकृति हो गया, उड़ीसा में काम शुरू हो गया, लेकिन भूमि अधिग्रहण झारखंड सरकार नहीं के करने के कारण ये पेंडिंग हुआ। माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इसको जरा विशेष ध्यान जाए। कांडरा से लेकर नामकुम अति महत्वपूर्ण रेल लाइन लगभग 2381 करोड़ रुपया इसमें स्वीकृति किया गया है, अब से टेंडर होने वाला है, इसका जल्द से जल्द टेंडर किया जाए ताकि वहाँ के लोग ट्रेन की सुविधा से जुड़े। और एक उड़ीसा के महत्वपूर्ण जो टाटा से बादाम पहाड़ है, हम चाहते हैं उसको डबल लाइन केवझर तक कर दिया जाए ताकि हम लोग को आने जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन साबित होगा। और ये ना हम लोग को खड़गपुर जाना पड़ेगा, नहीं दूसरे जगह सीधे जो है भुवनेश्वर से जोड़ जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेन जो एयरपोर्ट का कोई कनेक्टिविटी नहीं, सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी है। और जमशेदपुर बड़े उद्योग होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्र से लोग आज वहाँ बसे हुए हैं और पूरा जो भारत में इसका जो कनेक्टिविटी प्रसार प्रसार करने की आवश्यकता है। दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की ठहराव पारसनाथ एवं हावड़ा जोधपुर को पारसनाथ में ठहराव करने के लिए हम मांग करते हैं कि होली के समय खास करके जैन धर्म के लोग उस पारसनाथ में तीर्थ में दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए हुआ ठहराव के लिए। अगर होली का समय भी जैन धर्म के लिए पारसनाथ जैन लोगों का सबसे बड़ा स्थान है, कम से कम उसे ठहरा दिया जाए तो बहुत सुविधा होगा। साथ साथ आज हमारे लोकसभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय जो बिहार से झारखंड हुआ है, तो बिहार से स्वाभाविक है काफी लोग वहां बसे हुए हैं, इसलिए जो बक्सर रवि अश्विनी चौबे जी बैठे माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आज की इस स्पीच में, क्योंकि उन्होंने आज उन्होंने कहा कि बक्सर का जो 3 महत्वपूर्ण ट्रेन जो जाके टाटा से पटना में रुकती है, टाटा दानापुर ट्रेन संख्या 1813, साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन 1327 एवं पटना बिलासपुर ट्रेन, ये 3 ट्रेन अगर बक्सर तक हम लोग एक्सटेंशन करके पहुंचा दे तो बिहार का लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश का लगभग
चार पांच डिस्ट्रिक्ट का फायदा होगा और बिहार का तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इनके साथ साथ मैं खड़गपुर रेल मंडल अंतर्गत घाटशिला रेलवे स्टेशन आदर्श रेल स्टेशन बनाने के लिए मांग करता हूं और उसके बाद पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि चाकुलिया में आप आदर्श जो स्टेशन आप ऑलरेडी बना चुके जो संडे को उसका उद्घाटन होने जाए सिर्फ तहे दिल में दर्शना बहन और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सुरेश भाई आप बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि झारखंड से हम एक ही बोल रहे हैं, सिर्फ एक आदमी बोल रहा है, कुछ मेरा डिमांड है जो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए पूरा झारखंड स्टेट से मैं अकेले बोल रहा हूँ। थोड़ा पांच मिनट हमको बोलने दिए, खाली अभी डिमांड पर आएंगे, भाषण नहीं देंगे। जी जी, दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर अंतर्गत झारखंड के राज्य में कानीमोले स्टेशन में एक अंडरपास बना दिया जाए। खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत धलबुंग और कोकपड़ा के बीच में बहुत दिनों से एक हम लोग हॉल्ट का निर्माण करने के जो बड़कोला है हॉल्ट का निर्माण मांग कर रहे हैं तथा खड़गपुर अंतर्गत झारखंड राज्य में चाकुलिया कोकपड़ा रेलवे स्टेशन सुनसुनिया में एक अंडरग्राउंड पास करने के, दोनों तरफ रेल लाइन है बीच में घर है, इसी तरफ टाटानगर भागलपुर को पुनः चला जाए, टाटानगर जयनगर को भी पुनः चालू किया जाए, टाटा से जयपुर जो राजस्थान अति महत्वपूर्ण विषय है उसको चला जाए, टाटा जम्मू तुईबित जो है पिछले बहुत दिनों से टाटा से चलता था फिर अचानक ये रांची से चलने लगा। मैं आपसे मांग करता हूँ कि इस ट्रेन को जो अविलंब जो टाटा से ही इसको चलाया जाए ताकि टाटा के काफ़ी मात्रा में देश विदेश विभिन्न जगह के लोग वहाँ रहते हैं। और दूसरी बात है टाटा एलएपी जो चल रही थी, क्योंकि अभी जो आप ट्रेन रेल के द्वारा चलाया गया वो आंध्र प्रदेश से काफ़ी दूसरे जगह से चल रहा जिसमें आंध्र प्रदेश के लोग काफ़ी दिक्कत है और खास करके पढ़ने के लिए लोग साउथ में जाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए काठपाड़ी जाते हैं, तो टाटा एलएपी अगर दोबारा चला दिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सुविधा होगा। और दूसरी ओर टाटा से दीघा एक मेमू ट्रेन चला जाए, टाटा दीघा से बीच मेमू ट्रेन चल, टाटा रांची मेमू ट्रेन जो बंद हुआ उसको पुनः चालू किया जाए, हावड़ा हावड़ा कोरापुर एक्सप्रेस चला जाए, टाटा खड़गपुर लोकल को चला जाए, टाटा से गोवा होते सुपरफास्ट ट्रेन जाए चला जाए। साथ साथ हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी बैठे हैं जो रांची राजधानी सप्ताह में एक दिन चल रहा है, कम से कम लोहरदगा में एक दिन ठहराई किया जाए, और जो भागलपुर पहले चल रहा था किसी समय के कारण वो नहीं चल पा रहा है, माननीय मंत्री से आग्रह कि उसको टाइम को निर्धारित करके अगर उसको चलाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आपने मुझे बोलने का अवसर प्राप्त करें तो बहुत बहुत माननीय सभापति जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मंत्री जी से मैं अंतिम आग्रह करता है कि बॉक्सर वाला काम मुझे हो जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री सुरेश धनोकर जी।